अब पिछले वीडियो में आपने पांच ऐसे जीवों को जाना जिसके अंडे को सबसे अनोखा माना जाता है, तो पेश है उसी की अगली सीरीज। ऑक्टोपस। दोस्तों, फीमेल ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है। अंडे देने के लिए फीमेल ऑक्टोपस किसी बड़े पत्थर के पीछे या किसी सुरक्षित स्थान को चुनती है और वहां घोंसला बनाने के बाद एक समय में 80,000 से भी ज्यादा अंडे देती है और इसे रॉक सीलिंग पर लटका देती है, जो दिखने में बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह लगता है और हर गुच्छों में कम से कम 20,000 से भी ज्यादा अंडे हो सकते हैं। मदर ऑक्टोपस हर वक्त इस अंडे की निगरानी करती रहती है और इसे समय समय पर अपने टेंटिकल्स से साफ भी करती रहती है। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि मदर ऑक्टोपस अपने अंडों की देखरेख तब तक करती है जब तक कि उसमें से बच्चे ना आ जाए, और बच्चा आते ही मदर ऑक्टोपस भूख से मर जाती है, और ये प्रोसेस हर बार होता है। बीज। मधुमक्खियां दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाई जाती है और आपने भी इसे बेशक देखा होगा, जिसमें से आपने इसके शहद बनाने की शानदार कला से तो बिल्कुल परिचित होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बीज कैसे जन्म लेती है? हम रोज सैकड़ों मक्खियों को देखते हैं, लेकिन इसे जन्म देने वाली एक ही क्वीन बी होती है। किसी भी छत्ते पर मौजूद सभी मक्खियां एक ही क्वीन बी के अंडे से उत्पन्न होती है और हर मक्खी जिंदगी में एक ही बार क्वीन से मिलती है। क्वीन बी के अंडे का रंग ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का होता है। क्वीन बी हर शेल पर बैठकर एक अंडा देती है और 3 दिन में यह अंडा बढ़ने लगता है और इस जेलीनुमा अंडे में मक्खी बनना शुरू हो जाती है और ये काफी जल्दी विकसित हो जाते हैं और 20 दिनों के अंदर ही ये अपनी पहली उड़ान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जायंट वाटर बग। इन वाटर बग्स को आप लगभग हर महाद्वीपों में देख सकते हैं, जो आकार में लगभग 15 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। ये छोटे मॉन्स्टर स्विमिंग करते हुए जीवों को भी डंक मारते हैं और ये छोटे मोटे सांपों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इस जीव में खास बात यह है कि फीमेल बग मेल बग के पीठ में अंडे देती है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ये अंडे 10 से 15 दिनों तक मेल के पीठ पर होती है और उसके बाद वहां से बच्चे निकल आते हैं। पैसिफिक व्हाइट स्केट। आपने स्केट फिश को तो रियल या इंटरनेट में देखी होगी। ये समुद्री जीवों में सबसे यूनिक माना जाता है और साथ ही इसके अंडे भी दुनिया के सभी अंडों में काफी अलग होते हैं। ये जो स्मॉल बैग्स आप देख रहे हैं, असल में इसके अंदर स्केट के एग्स होते हैं। ये अपने अंडे समुद्र की गहराई और ठंडे पानी में देती है। दिखने में यह अंडा किसी फिश मास्क का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में इसके अंदर जीव पनप रहा होता है। ब्लैक विडो। स्पाइडर की दुनिया में सबसे बेरहम ब्लैक विडो को ही माना जाता है। साथ ही ये काफी जहरीले भी होते हैं, जो अंडे देने से पहले मेल स्पाइडर को मारकर खा जाते हैं। उसके बाद अपने अंडे की सुरक्षा के लिए उस पर सिल्की कोकून की परत चढ़ा देते हैं और इसके करीब 3 से 4 कोकून हो सकते हैं, जिसमें एक कोकून में ही 900 से ज्यादा अंडे पाए जाते हैं और इनके अंडों का आकार काफी छोटा होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।